श्री श्रीमहात्मने नारायणाचार्य सिंह श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव नाम गुरुदेवाय नाम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण नाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय बले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर सांभवे पादाम्बुजारुणे नमः नाम भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुभवाय कृष्णमूर्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद सब कर हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब लोग सब हमारे साथ में बोलो सबके सब बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा I'm
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी बोलिए पीछे पीछे,
एक बार साथ में ताली बजाते बजाते देखो, भगवान का नाम लेने से बड़ा मंगल होता है। साहब देख रहा हूँ आप सब एकदम चुपचाप बैठे हो, ठाकुर कीर्तन में होगा, ताली बजाते बजाते मीठी मीठी ताली बजाते हुए कीर्तन करो। ताली बजाने से क्या होगा? देखो शास्त्र में एक श्लोक आया है कि भगवान के नाम पे यदि कोई कीर्तन करे तो सर्वपातक पक्षिणा, क्या बताया, तालिका नैवृषा सर्वपातक पक्षिणा, कि हमारे सारे पाप जो होते हैं ना वो क्या एक चिड़िया के समान है। अगर हम ताली बजाते हैं जैसे अनाज का एक सुखाया हुआ हो, अगर पक्षी आते हैं हम डंडा मार के ताली बजा के भगाते हैं ना, ऐसे ये पाप रूपी चिड़िया यहाँ पर विराजमान है। ताली अगर बजाओगे ठाकुर के कीर्तन में तो पाप रूपी चिड़िया उड़ जाएगी। लेकिन पाप रूपी चिड़िया उड़ तो जाएगी, बैठेगी कहाँ पर? बोले जो लोग कीर्तन नहीं कर रहे, जो लोग ताली नहीं बजा रहे उनके यहाँ पे। इसलिए अगर अपने अपने पाप उड़ाना चाहते हो तो ठाकुर के ताली बजाओ, मीठी मीठी ताली बजाते हुए और कीर्तन करो, हमारे पीछे पीछे कीर्तन करो, तुम्हारी भाग्य रेखा भी बदल जाएगी। ठीक है, ताली बजाओ। एक्यूप्रेशर सुना है ना, एक्यूप्रेशर, हाथों में ये पॉइंट दबाओ वो पॉइंट दबाओ, ताली बजाने से देखो सारे पॉइंट्स दब जाते हैं, तुम्हारे एक्यूप्रेशर होगा, बहुत सारे लाभ है। इसलिए ठाकुर का कीर्तन करें ताली बजाते हुए करो। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय जय राधा रमण, 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 जय जय
हरे कृष्णा। देखो यहाँ से सब दिखता है कौन क्या बोल रहा था कौन नहीं बोल रहा था। मैंने देखा कोई कोई माता जी के मुंह में जैसे दही जम गई, मुंह ही नहीं खोल रहे थे। देखो शास्त्रों में एक श्लोक बताया है, ये न जन्म सदे पूर्वम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानी सदे तिष्ठति भारत। यहाँ पर बता रहे देखो भगवान का नाम कौन ले सकता है, ये न जन्म शते पूर्वम वासुदेव समर्चनम। यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं हम किसका भगवान का नाम ले रहे हैं ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम ले रहे हैं इसके अंदर तीन नाम है देखो, हरे कृष्ण और राम। हरे अर्थात जैसे भगवान का नाम है ना, भगवान क्या करते हैं हमारे सारे दुख हरण कर लेते हैं। हमें देखो इस जड़ जगत में क्या है, सब समय दुखी है, सब कुछ न किसी माध्यम से दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, हाँ थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण का दास कहते हैं ना। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इस जड़ जगत में, क्योंकि ये संसार क्या है, ये दुखालयम है, भगवान ने गीता में बताया है इस संसार को, ये दुखालयम अशाश्वतम, इसलिए इस संसार में हम किसी न किसी माध्यम से दुखी हैं। किसी को कोई रोग है, किसी को कोई बीमारी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, बच्चे बात नहीं सुनते, कोई बहू से दुखी, कोई बेटी से दुखी, किसी न किसी माध्यम से सब थोड़े थोड़े दुखी हैं। लेकिन क्या करेंगे, अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो उससे हमारे सारे पाप हमारे सारे दुख कष्ट हर लेंगे भगवान। भगवान का इसलिए एक नाम है हरि, इसलिए हम जब किसी को पुकारते हैं तो उनका नाम हो गया हरे, हरि से हरे। तो अगर हम बोलते हैं हरे तो उससे क्या करते हैं, भगवान हमारे सारे दुख कष्ट हर लेते हैं, हमारे सारे पाप हर लेते हैं। दूसरा इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ बताते देखो, क्री अर्थात हमारे मन जो है ना बड़ा चंचल है, हमारा मन बड़ा चंचल है। देखो हम एक स्थान पर अगर कभी बैठो, एक स्थान पर भले ही बैठे हो लेकिन तुम्हारा मन सब जगह झूम रहा होगा, सब जगह घूम रहा होगा, कहां पर इसने किसके यहाँ क्या हो रहा है, कहां क्या। मन से हम बैठे हैं हमारे घर के अंदर लेकिन मन घूम रहा होगा कहीं बाजार में, हाँ विदेश तक घूमाते हैं मन ही मन में, है कि नहीं। मन बड़ा चंचल है, मन की गति बहुत तेज है। भगवान से अर्जुन ने यही बात कहा कि चंचला ही मना कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसको क्या करो, इसको काबू में करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, ये क्री अर्थात इस भगवान कृष्ण का नाम हमारे मन को आकर्षित करता है, क्री मतलब आकर्षण करना, और स्न स्न अर्थात आनंद देना, सिर्फ आकर्षण करके रख लिया ऐसा नहीं, भगवान का नाम क्या करता है आनंद देता है। उसके बाद में बताया इसमें तीसरा शब्द क्या है, राम। भगवान तीसरा शब्द क्या है, राम। राम अर्थात जो हमको जीवन में आराम दे, हाँ बता कौन नहीं चाहता अपने पाप, कौन हरण करना नहीं चाहता, हाँ सब चाहते हैं, कौन जीवन में आनंद नहीं चाहता। तो भगवान का नाम लोगे तभी तो होगा ना, भगवान का नाम लेने से ही तो होगा, अगर चुप रहोगे तो फिर कैसे होगा, चुप रहने से नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं ये न जन्म शते पूर्वम वासुदेव समर्चनम, कि अगर किसी ने भगवान का पूर्व पूर्व जन्मों में भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना सब कर ली है तभी जाकर उसके मुख से नाम भगवान का नाम निकलता है। जो पापी व्यक्ति होगा उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। आपने वाल्मीकि का नाम सुने हो, वाल्मीकि का नाम सुना होगा सबने। वाल्मीकि पहले कौन था, वो दक्ष रत्नाकर था, वो शिकारी था, एक वो जानवरों को मारता था, और मारता भी नहीं था, उनको अधमरा करके छोड़ देता था। अभी उस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने जब देखा कि ये इतनी जानवरों की दयनीय स्थिति किसने कर रखी है, तो उसने उसे पूछा, बोले तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों मारते हो जानवरों को। बोले मुझे मानो ऐसे अधमरा करने में ही मजा आता है, उसको देखकर मुझे मजा आता है। नारद जी ने उसको बोला, बोले ये तो बहुत जघन्य पाप है, तुम भी पाप कर रहे हो इसका, तुम किसके लिए कर रहे हो। बोले मैं इसी से अपना जीवन पालन करता हूँ, इसी से अपने परिवार को पालन करता हूँ। बोले तुम तो अपने परिवार में पूछ के आओ, इसका पाप का भागीदार कोई बनेगा। अभी जैसे वो घर में आकर पूछने के लिए आया, माता पिता से पूछा, बोले माता पिता जी मैं आपको पता है मैं कैसे पैसा कमाता हूँ, कैसे धन कमाता हूँ। बोले हाँ पता है, आप इसका पाप लोगे। बोले हम क्यों पाप लेंगे, हमने तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, आप कैसे तो पैसा कमा रहे हो, तेरी जिम्मेदारी, हम क्यों पाप लेंगे। उसको सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके लिए मैं कमाता हूँ, इनके लिए मैं जानवरों की हत्या करता हूँ, ये पाप नहीं ले रहे। बाद में उसने अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने बोला कि बाहर का काम तुम्हारा, घर का काम मेरा, तुम क्या पाप से पैसा कमा रहे हो, पुण्य से क्या पैसा कमा रहे हो, मुझे क्या मतलब, मैं तुम्हारे पाप नहीं लूंगी। बच्चों से पूछो, उन्होंने ही मना कर दिया। वापस वो नारद जी के पास में आता है, बच्चों को चुप करा लो, वापस वो नारद जी के पास में आता है। नारद जी तो जानते थे पहले से उसके पाप कोई नहीं लेगा। नारद जी से बाद में आकर जब वो बोलता है, सारे
तो इसीलिए वहां पर जब वो नारद जी के पास में आता है, नारद जी तो जानते थे उसके पाप कोई नहीं लेगा, बोले तुमने पूरा जीवन इतने पाप किया लेकिन तुम्हारे पाप तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अब वो प्रश्न करता है यहाँ पर दशरथ नागर कि बताओ इन पापों से मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान राम का नाम लो। वो उसने नारद जी बोलते हैं बोलो राम, बोलो आप लोग भी बोलो राम, बोलो राम और जोर से बोलो राम। देखो आप लोग पुण्य आत्मा हो इसलिए आपके मुख से राम नाम निकल गया। वो इतना पापी था कि उसके मुख से नाम भी नहीं निकल रहा था, उसके मुख से भगवान का नाम ही नहीं निकल रहा था। इसलिए वाल्मीकि वहां पर नारद जी बोलते बोले तुम सभी जानवरों को मारते थे, बोलते थे मरा मरा, बोलो मरा मरा बोलो। तो उल्टा नाम जपते जपते मरा मरा करते कि क्या हो गया राम। इस तरह से उसने मरा, इतना पापी था वो कि उसके मुख से नाम भी नहीं निकल रहा था लेकिन उल्टा नाम जपते जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान राम के आने से पहले उन्होंने क्या किया, रामायण लिख दी। सुना है ना लवकुश जब जाते हैं राम जी के दरबार में रामायण सुनाने के लिए तो क्या कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने तो इससे आगे की भी रचना कर दी है लेकिन उन्होंने अभी हम तक हमको यहाँ तक ही पढ़ाया और वो हमने आपके सामने गान करी। भगवान राम के आने से पहले उन्होंने रामायण लिख दी, किसके प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। लेकिन वो पहले भगवान का नाम क्यों नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि पाप बहुत थे। तो यहाँ पर क्या आप लोग तो भगवान का नाम उच्चारण कर पा रहे हो ना, कर पा रहे हो, इसका मतलब आप बड़े पुण्य आत्मा हो। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ये न जन्म शते पूर्व वासुदेव समर्चनम, कि अगर किसी ने पूर्व पूर्व जन्मों में सारे भगवान वासुदेव का अर्चन कर लिया है तो उन्हीं के मुख से ही हे अर्जुन भगवान का नाम निकलता है, मेरा नाम निकलता है। भगवान स्वयं बता रहे हैं, कपिल मुनि अपनी माँ को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अहो बत स्वपचो अतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। माँ बोले मेरा नाम कौन उच्चारण कर सकता है, पूरा नाम भी नहीं, जिह्वाग्रे अर्थात जिह्वा के अग्रभाग में भी यदि कोई मेरा नाम ले रहा है तो बोले वह साधारण बात नहीं है, वह साधारण बात नहीं है। ऐसा समझना चाहिए उसने पूर्व पूर्व जन्मों में क्या कर लिए, चार काम कर लिए हैं। क्या कर लिए, उसने सारी तपस्या जो थी सारी तपस्या उसने कर ली है। हाँ सारी पूर्व, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, त्रेता युग द्वापर युग सतयुग इनमें सब अलग अलग साधन था भगवत प्राप्ति के लिए। कोई तपस्या करता था, कोई भगवान का अर्चन करता था, कोई यज्ञ इत्यादि करते थे। यहाँ पर कपिल देव कह रहे हैं कि अगर किसी के मुख से मेरा नाम निकल रहा है, भगवान का नाम निकल रहा है तो उसने पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारी तपस्या कर ली उसने, सारे तीर्थ स्थान पर स्नान कर लिया, सारे तीर्थ स्थलियों में उसका स्नान हो गया और उसने क्या किया, सब दान पुण्य सब वेद इत्यादि पाठन कर लिया। ये चार काम वो पूर्व जन्मों में करके आया है तभी उस पुण्य के प्रभाव से ही इस जन्म में मेरा नाम ले रहा है। ठीक है, तो भगवान का नाम लेना कोई साधारण बात नहीं है और कलयुग में तो साधन भी यही है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग के अंदर भगवान ने बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन बता दिया है, सबसे सरल मार्ग बताया है भगवत प्राप्ति के लिए। आप देखो सत्ययुग के अंदर लोग तपस्या करते, सत्ययुग के अंदर लोगों की आयु कितनी होती थी, बोला 100,000 साल। 100,000 साल लोग जीवित रहते थे। 100,000 साल हिरण्यकश्यप का नाम सुना है ना आपने, 60,000 साल उन्होंने क्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी। सतयुग के अंदर लोग तपस्या करके और भगवान को प्रसन्न करते थे, भगवत प्राप्ति करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे उसके बाद में त्रेता युग आया, त्रेता युग के अंदर आयु रह गई 10,000 साल। 10,000 साल वहां पर आयु रह गई, 10 हट गया। अभी उसके अंदर भी लोगों की फिर भी आयु थी तो वहां पर लोग क्या करते, यज्ञ करते थे। अभी आया द्वापर युग के अंदर आयु और कम हो गई 1,000 साल। वहां पर लोगों वहां पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का अर्चन किया करना पड़ता था। लेकिन अभी कलयुग के अंदर आयु और कम हो गई, 10 और हट गया, 100 साल की आयु बताते हैं। अभी तो इतना घोर कलयुग आ रहा है कि 100 साल भी कोई जीवित नहीं रहता। 100 साल अगर कोई जीवित रह गया तो बड़े भाग्य की बात है। हाँ बड़े सोच लोग बोलते बड़ी पुण्यात्मा होगी तभी 100 साल रह गई है कि नहीं। तो हमारी आयु भी कम होती जा रही है इसलिए हम ना तो तपस्या कर सकते हैं, यज्ञ हम कर नहीं सकते। यज्ञ में पुजारी आके अगर 2 घंटे बैठने को कहता है उसी के अंदर ही आंख के सामने सब जुड़स जाते हैं, है कि नहीं। पहले के लोग हजारों सालों तक यज्ञ कर लेते थे, यज्ञ भी संभव नहीं है। भगवान का अर्चन के लिए बताया है, अर्चन भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि अर्चन के अंदर भी इतनी सारी सामग्री लेकर आओ, भगवान का पंच पात्र ये वो इतनी सारी सामग्री लेकर आओ, सामग्री की शुद्धि होनी चाहिए, ये चीज भी अभी संभव नहीं है कलयुग के अंदर। इसीलिए जीव की दुर्दशा देखते हुए भगवान ने क्या किया, सबसे सरल मार्ग बता दिया। सरल मार्ग क्या बताया, बोलो हरे कृष्णा, बोलो पीछे पीछे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम, राम, हरे, हरे।
बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, सुबह सब लोग व्रत रख रहे लगता है। कल एकादशी का रखा था। जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। भगवान ने कहा ये ही माधव, ये ही एकमात्र साधन है कलयुग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का। हाँ, इसलिए आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, आप सब लोग भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो, आज संत घर में आए हैं, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा। इस जीवन में अगर भगवान की किसी के ऊपर कृपा होती है, भगवान की दो तरह की कृपा बताई गई है। अगर भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं, एक तो है कपट कृपा। कपट कृपा कैसे करते हैं कि उसको धन दौलत दे दी, अच्छा पुत्र परिवार दे दिया, इस संसार में रहने की सब सुख सुविधाएं मिल गई, ये भी भगवान की एक तरह की कृपा ही समझो ये। लेकिन ये ना कपट कृपा बताया इसको। लेकिन अगर दूसरी एक कृपा बताई है, अगर उसको किसी सच्चे साधु से मिला दे, संत से मिला दे, जो हमको इस मनुष्य जीवन को की दुर्लभता को समझाए, बताए कि हमको ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, तो ऐसे कृपा को बोलते हैं ये सच्ची कृपा है भगवान की। भगवान की सच्ची कृपा कब है? जब हमें वो किसी साधु से मिला दे। साधु से जब मिलेंगे, साधु का उपदेश सुनेंगे, साधु जब घर में आएंगे क्या बताएंगे, बोले मनुष्य जीवन तुमको किस लिए, पशुओं के समान आहार निद्रा भय मैथुन इनके लिए नहीं मिला है। हाँ, भागवत में बताया गया है कि मनुष्य क्या करता है, दिन में दो काम, हर जीव दिन में दो काम करता है, रात में दो काम। दिन में दो काम क्या, मनुष्य धन उपार्जन करना और परिवार का पालन करना, रात में सोना और विषय भोग करना, है कि नहीं। आप देखो एक जानवर से और एक जानवर के साथ में अपना तुलना करके देखो जीवन की, हम क्या हमारा और उनके बीच में क्या कोई फर्क है। वो जैसे सड़क पे अपना खाना ढूंढता है, हम भी उसी प्रकार क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जो उसको खाने के बाद सड़क पे जो कुछ भी मिलता है उसको खाने के बाद में संतुष्टि होती है, वैसी ही संतुष्टि हमको भी होती है। बस ये फर्क है, वो बाहर जैसा मिलता है वैसा खा लेता है, हम थोड़ा सा प्लेट में सजा के सुंदर तरीके से चम्मच वगैरह से खाते हैं। उसको जैसे रात में नींद मिलती है, नींद होने के बाद में उसको जैसी शांति मिलती है, वैसे हमको सोने पर सुख मिलता है। हम यहाँ पर डबल गद्दे के ऊपर सोते हैं, एसी चला के कम्बल ओढ़ के सोते हैं, लेकिन बाहर वो उसको जैसी परिस्थिति होती है वैसे सो जाता है। हम जैसे बच्चे पैदा करते हैं वैसे ही जानवर भी बच्चे पैदा करता है कि नहीं। तो ये चार काम जो बताए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये हमारे अंदर और पशुओं के अंदर समान ही है। अगर जीवन में सोचते हो कि हमने बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ा लिखा दिया, बहुत अच्छे से सारे का अपने दायित्व निभा दिए, लेकिन इसमें कोई तुमने तीर नहीं मारा, शास्त्र कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने तो चार बच्चों को जन्म दिया है, उनको बड़ा पढ़ाने लिखाने में, उनकी पूरी जिंदगी बनाने में 25 साल लगाए। एक सुअर जो अपने बच्चों को पैदा करता है एक बार में 12-12 बच्चे पैदा कर देता है और 6 महीने में उनको होनहार बना देता है। होनहार बनाने का मतलब क्या, अपना खाना पीना सीख ले, यही तो हो ना। बच्चे बड़े होकर क्या करते, नौकरी करेंगे, कमाएंगे खाएंगे, अपना जीवन बिताएंगे, खुद से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यही बात तो ना, यही बात तो है। तो तुमने जिस साल में 25 काम कर रहे हैं, 25 साल लिए हैं, जानवरों 6 महीने में कर देता है। तुमने चार बच्चों को जन्म देकर किया है, लेकिन जानवर एक बार में 12 बच्चों कर देता है कि नहीं। तो अगर यही सब करके अपना जीवन बिता दिया है तो तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, शास्त्र कहते हैं। हाँ, शास्त्र की बात अगर कड़वी लगे तो भी लेकिन सुननी चाहिए। शास्त्र कहते तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन ये जीवन हमको भगवान का भजन करने के लिए दिया था। मनुष्य जीवन लाभ करके भी अगर भगवान का भजन नहीं किया तो तुमने व्यर्थ में जन्म गवा दिया, व्यर्थ में ये जन्म गवा दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लवके के पास, हम आए थे भगवान से, हम लोग वादा करके आए थे कि भगवान हम आपका भजन करेंगे, हम आपका भजन करेंगे, लेकिन क्या करने लगे, वही संसार में रम गए, वही संसार में रह गए। लेकिन ये संसार को बताया ये अनित्य है, जब किसी का अंतिम समय आएगा कोई भी साथ में नहीं जाता, कोई भी साथ में नहीं जाता, एकमात्र भगवान का जो नाम करते हैं वो ही हमारे साथ में जाता है। एक कथा सुनाता हूं, देखो कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करना। एक राजा था, उस राजा की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 4। सब ध्यान से सुनो पीछे माता जी, मैं पूछूंगा फिर, जो नहीं बोल पाए खड़े कर देंगे। ध्यान से सुनो माता जी, बहुत बढ़िया कहानी, ये जीवन का क्या लाभ है, ठाकुर हमें ये जीवन क्यों दिया, ये जीवन पा करके हमें क्या करनी चाहिए, अरे अभी हम क्या कर रहे हैं, ये कहानी माध्यम से ये बात, अगर ये कहानी को आप समझ गया ना, समझे आज से तुम्हारी जीवन बदल गया, देवता से भी तुम्हारा जीवन बड़ा जीवन हो जाएगा, देवताओं से भी बड़ा जीवन हो जाएगा। सब ध्यान देकर सुनो, ठीक है, इसको पूछेंगे तो तुम कौन बोल पा। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। कितनी? 4 रानियां थी उसकी।
उसकी सबसे बड़ी रानी जो थी, पहली रानी थी, वो उसको बड़ा प्रेम करता था, बड़ा उसको प्रेम करता था। जो भी उसका आवश्यकता की वस्तु चाहिए होती थी, उसको साड़ी, तेल और भी जो भी कुछ चाहिए होता था, सब ला ला कर देता था। जो भी आवश्यकता होती, जो से डिमांड करती रानी, बस राजा ने तुरंत हाजिर कर दी। राजा उसकी सारी डिमांड पूरी करता था, उससे बड़ा प्रेम करता था। दूसरी उसकी रानी थी, वो देखने में बड़ी सुंदर थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। जब भी राज्य भ्रमण करने के लिए जाता, उसको अपने बाम पास में बिठा के, रथ पे बिठा के, और सबको दिखाता, बोले देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है, सबको दिखाता, ठीक है। तीसरी रानी थी, तीसरी रानी वो बोलने में बड़ी मधुर मधुर बातें करती थी। जैसे पास में बैठ जाओ, बस घंटों घंटों उसके साथ में इतनी मीठी मीठी बातें करता था, समय कैसे निकल जाए पता ही नहीं चलता था। तीसरी रानी, आप लोग मीठी मीठी बात करते कि नहीं? ना, हम लोग कभी कभी क्या करते, पति अगर बाहर से आए ना, सारा दुनिया की झामला, सास के सामने ये हो गई, ननद के सामने ये लड़ाई हो गई, जेठ के साथ लड़ाई हो गई, और दो आदमी को साथ में तो पूरा कल सुना देते कि नहीं? कहते पति बाहर से आते ही मीठी मीठी बात बोलनी चाहिए। कैसे बोलनी चाहिए? दुनिया की झामला नहीं बोलते, मीठी मीठी बात करनी चाहिए। चौथी उसकी एक रानी थी, चौथी रानी के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जब से उसको शादी करा के लाया, उसको किसी चीज की जरूरत है, उसको क्या कुछ है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अभी राजा की परमायु खत्म हुई, उसका अंतिम समय आया। अंतिम समय पर आने पर उसने सोचा कि मेरी चार चार पत्नियां हैं, चार चार रानियां हैं, सबको मैं पूछता हूँ, देखिए कौन मेरे साथ में जाएगी, कौन मेरे साथ में जाएगी। राजा ने पहली रानी को बुलाया। पहली रानी कौन थी? जिसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था राजा। उस रानी को बुलाया, तो रानी से पूछा, बोले क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बोले राजा मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। ये सुन के तो राजा बड़ा हैरान हो गया। बोले तुम्हारी जो भी डिमांड होती थी मैंने सब पूरी करी, बिल्कुल समय नहीं लगाया, जो तुमको आवश्यकता थी वो मैंने लाला का प्रदान किया, पूरा जीवन तुमसे इतना प्रेम किया, और तुम मेरे साथ एक कदम भी नहीं चलोगी? नहीं राजा, एक कदम भी नहीं। बड़ा दुखी हुआ, दूसरी वाली को बुलाया। दूसरी वाली कौन थी? बड़ी सुंदर थी। उसको बुलाया, उससे पूछा, बोले तुम चलोगी साथ में? उसने बोला देखो राजा, तुम मैं देखने में इतनी सुंदर हूँ, मैं सोच रही हूँ कब तुम मरोगे और कब मैं किसी और से शादी कर लूंगा। ये सुनकर तो राजा के पैर से जमीन ही खिसक गई। बोले तुम मेरे रहते रहते बोल रही हो, बोले कब तुम मरोगे, कब मैं और से शादी करूंगी? बोले हाँ मैं तो देखने में इतनी सुंदर हूँ, मेरे से तो कोई भी विवाह कर लेगा, इसलिए तुम मरो और मैं तो किसी और से शादी कर लूंगी। तीसरी रानी को बुलाया, तीसरी रानी को बुलाया। उस कौन थी वो? जो बातें करने में बड़ी चतुर थी। उसको बुलाया, उससे पूछा, बोले इन दोनों ने तो मना कर दिया, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? बोले राजा तुम कहोगे तो दो चार कदम तुम्हारे साथ में चलूंगी, लेकिन पूरे अंतिम समय तक, अंतिम डेस्टिनेशन तक नहीं चल सकती। उसको सुन के बड़ा दुख हुआ राजा को, बोले तुम कह रही हो साथ में नहीं चलोगी। अभी चौथी रानी, जिसके प्रति वो कभी भी ध्यान नहीं देता था, सोच रहा था इससे पूछो ना पूछो क्या करो, फिर भी हिम्मत करके पूछी। पूछी तो उसने कहा, बोले राजा तुमने पूरे जीवन तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम सच्चे दिल से प्रेम किया, मैंने तुम्हारे सच्चे दिल से प्रेम किया, तुम जहां मेरे को लेकर जाओगे मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी, तुम्हारे दुख में दुखी रहूंगी, सुख में सुखी रहूंगी। हाँ देखो, ये चार चार रानियां जो बताई है, ये चार रानियां हमारी भी ऐसी चार रानियां हैं, और ये राजा कौन है? ये हम ही हैं। सबसे पहली रानी जो बताई है, ये पहली रानी बताया हमारा शरीर। जब हमारा अंतिम समय आता है, इस शरीर को हम इतना प्रेम करते हैं, इस शरीर को जो भी चीज की आवश्यकता होती है वो हम लाला कर पूरी करते हैं। इस शरीर को अच्छा सजना होता है, इसको ब्यूटी पार्लर लेकर जाते हैं। शरीर को क्या करते हैं? खाना चाहिए होता है इसको, आज रसगुल्ला खाना है चलो, आज समोसा खाना है चलो, आज ये चीज की जरूरत है चलो, सर्दी में सर्दी कपड़े देते हैं, गर्मी में ऐसा, उसके अनुसार करते हैं। जो भी चीज की आवश्यकता होती है शरीर की, हम लाला कर पूरी करते हैं। लेकिन अंतिम समय पर जैसे हमारा समय आता है, ये एक एक पैर एक पग भी हमारे साथ में जाता है, शरीर यहीं पड़ जाता है, पड़ा रह जाता है। पता है ना, जब हंस उड़ जाएगा पिंजरा पड़ा रह जाएगा, है ना? तो ये शरीर हमारा यहीं रह जाता है। पहली रानी जिसको हमने सबसे ज्यादा प्रेम किया, जिसकी हर आवश्यकता हमने पूरी करी, ये लेकिन यहीं रह जाता है। दूसरी रानी जो थी, जो देखने में बड़ी सुंदर थी, वो क्या है? हमारा पैसा, हमारे पास जो धन दौलत है, ये है दूसरी रानी। हम जब भी बाहर जाते हैं, जब भी कुछ करते हैं, हमारा हमारा ऐश्वर्य दिखाते हैं लोगों को, देखो हमारे पास ये, हमारे पास वो, आईफोन है, इतनी बढ़िया साड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी है, ये चीज करते हैं ना। हम क्या करते हैं? लोगों को हमारे धन ऐश्वर्य दिखाते हैं, हमारा पैसा दिखाते हैं, हमारी ये सब दिखाते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आता है,
झट पैसा किसके, अगर बाप है तो बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, है कि नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है अर्थी बाद में उठी, उठती पहले बंटवारा होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो कि इस चीज को, है कि नहीं। तो ये पैसा, पैसा हम पूरा जीवन लगाते हैं उसको संचय करने में, लेकिन अंतिम समय पर सास का एक हाथ में सोने की अगर कड़ूले हो ना, दोनों बहू लड़ते हैं, लड़ते नहीं, मेरी है ये लड़की नहीं। तो हमारे साथ जो पैसा वगैरह है वो भी हमारे साथ में नहीं जाएगा, वो रानी भी झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाए। जैसे मरने के बाद उस रानी ने क्या कहा था, मैं तो किसी और से शादी कर लूंगी, ऐसे ही हमारा पैसा जो है वो झट हमारे मरने के बाद में किसी और के नाम पे चला जाता है। तीसरी रानी जो मीठी मीठी बातें करती थी, वो बताए हमारे पुत्र परिजन, हमारे परिवार, हमारे माता पिता इत्यादि, ये सब क्या है, ये हमारे वो तीसरी रानी है जो हमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंतिम समय आने पर कोई भी साथ में नहीं जाएगा। अंतिम समय पर आने पर कोई भी साथ में नहीं जाएगा। हमारे लिए बढ़िया आरती सजाएंगे, शमशान घाट तक लेकर जाएंगे, लेकिन वहीं पर ही जला के और टाटा बाय बाय करते करते वापस आ जाएंगे, है कि नहीं। तीसरे वाली तीसरी रानी भी हमारे साथ में नहीं जाएगी। लेकिन चौथी रानी जिसको सब समय नेग्लेक्ट करके रखते हैं, जिसके प्रति कभी ध्यान नहीं देते, वो है भगवान का भजन, भगवान का नाम। आप अपना जीवन पूरा देख लो, कितना समय आप तीन रानियों को दे रहे हो, कितना समय इस चौथी रानी को देते हो। भगवान का भजन ही एकमात्र हमारे साथ में जाने वाला है, लेकिन उसके प्रति इसलिए जब बोलते हैं चौथी रानी मतलब क्या, जिसको जीवन में कभी राजा कभी जीवन में उसको ध्यान नहीं दिया, कभी पूछा भी नहीं तेरे बात में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं है, उसको नेग्लेक्ट किया, इसका मतलब क्या है। कहते हम जीवन में किसको नेग्लेक्ट करते हैं, जो अंतिम समय में कहते हैं चौधरी रानी कहते जाएगी, कहते भगवान का नाम, भगवान का भजन। अगर किसको बोलो भैया एक माला जप करो, थोड़ी गीता पढ़ो, रामायण समय का है, लेकिन जब माताएं एक कट्टे बैठ जाते ना, उसकी छोरी ने ऐसे किया, उसकी छोरा ने ऐसे किया, वो बेटी में लड़ाई हो रही तुमने सुनी, भाई भाई में उसके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हमारी बहू बात नहीं सुनती है, सारा दुनिया की बैठ कर घंटे घंटे तो समय चले जाते। अगर कोई टीवी में सीरियल आ गया ना, तीन घंटे उसको देखते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी बोलो, थोड़ी सी एक माला जो कर बोले समय का। और बेकार लोग जो भगवान की भजन करते हैं ना, सो बेकार लोग, काम जिनका काम धंधा नहीं, कोई बैठ कर राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन जब अंतिम समय में ये शरीर छूटेगा, आप देखे होंगे जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या बेटा, जितने तुमने राम का नाम लिया, जितने तुमने कृष्ण का नाम लिया, तो वही तेरे साथ में जा रहे हैं। इसके सिवाय तुमने जो कुछ जिंदगी में इकट्ठे किए हो, है छुपा छुपा करके धन को इकट्ठे किए हो, दुकान मकान जितने बनाया, सब झूठा है, सब झूठा है, तेरे साथ में सुई धागा भी साथ नहीं जाएगी। पत्नी कहाँ तक जाएगी, दरवाजा तक जाएगी, पत्नी दरवाजे आगे नहीं जाती, परिवार वाले कहाँ तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे, हैं? वहीं पर जला करके टाटा करते करते वहीं से वापस चले आएंगे, हैं? आगे कोई काम में हमारे नहीं आएगा। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन न पायो, बस तो अमोल का दे मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। आप लोग की भजन गाती होगी, कहते पायो जी मैंने, बस मतलब क्या, बोले मैंने पाया है, बोले क्या पाया हो, राम रतन धन, जितने राम का नाम हमने जबकि कृष्ण का नाम जबकि केवल वही मिला, लेकिन जग में सब ही खोवायो, जग में सब खोए, सब गए, बोले ये धन मिली कहाँ से, बोले वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, किसने कहा से मिला प्रभु का नाम, बोले सदगुरु से मिला, हमें गुरु जी से भगवान का नाम, हमें गुरु जी से भगवान का नाम मिला है। कहती है धन कैसे है, दूसरे लाइन में गाती हैं, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बड़ा तसवायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पाए। ये ऐसे का धन है जिसको चोर चोरी करके नहीं ले सकता है, ये लूटने वाले नहीं, ये फूटने वाले नहीं, जो धन केवल बढ़ती रहती है, जो धन केवल बढ़ेगी, जो धन कभी घटेगी नहीं, जो धन केवल बढ़ती रहेगी। हमारे गुरु जी कहते थे मानो आज तुम्हारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, कितने 100 करोड़ सारा 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, मानो आज तुम ऐसा मालिक, तुम अभी तुम्हारी सैलरी छूट गई, बताओ कितने पैसे जाएगा, बोलो जो इकट्ठे किए है जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा। तुमने इकट्ठे किए हो तुमने इकट्ठे किए हो जो जाएगा नहीं, फिर इकट्ठे क्यों किए, फिर इकट्ठे तुमने क्यों की जब जाएगी नहीं। लेकिन ये मीरा देखो ये क्या कहती है, लेकिन ऐसे कौन सा धन, अगर ये जगत का धन अगर पिता कमाएगा ना है उसको बेटा ले जाएगा, अगर बेटा कमाएगा तो उसको बेटा ले जाएगा, नहीं तो बहू ले जाएगी। लेकिन ये भगवान का नाम रूपी जो धन है ना, अगर इसको पत्नी कमाएगा तो पति नहीं ले सकता है, पिता कमाएगा तो बेटा नहीं ले सकता है, बेटा कमाएगा तो पिता नहीं ले सकता है, जो कमाएगा केवल वही इसकी मालिक बनेगा। और अंतिम समय में ये धन पूरा के पूरा तेरे साथ में जाएगा, पूरा के पूरा तेरे साथ में ये धन जाएगा, कोई नहीं ले सकते। इसलिए मीरा कहती है कौन सा धन है, बोले भगवान का नाम रूपी धन है। इसलिए मीरा की और एक भजन है, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम। सुने होगे आप लोग, गाती होगी हैं, इसलिए सुने होगी, बोले जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर यो कांगाल हुए, सोना चांदी माया वालों में सब जाऊं गली, कृष्ण नाम के मेरे गली। हम लोग ये भजन गाते मीरा की भजन है, कि जिसने ये भगवान का नाम रूपी धन को लूटे जगत में बड़े बड़े सब धनी हो गए। बोले कौन कौन, बोले तुलसी मीरा और नरसी का नाम सुने कि नहीं, तुलसीदास का नाम सुने हो, मीरा का नाम जानती होगी, हनुमान का नाम सुने होंगे, बल्कि इन लोगों ने प्रभु का नाम रूपी धन लूटे। देखो सारा दुनिया में जिनकी पूजा हो रही है, सारा दुनिया की जिनकी पूजा, सारा दुनिया में इनको पूजा करते हैं, घर घर में इनकी पूजा, घर घर में इनकी जय जयकार हो रही है कि नहीं, क्योंकि इन लोगों ने राम नाम रूपी धन को इन लोगों ने लूटे हैं। इसलिए मीरा इसलिए यह कहती है कि हम कह रहे हैं कि चौथी रानी भगवान का नाम रूपी धन है, अगर ये धन को तुमने लूट लिया तो समझो सबसे बड़े मालिक बन जाओगे। देखो एक समय भगवान ने, एक समय ठाकुर जी को कुछ भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, लेकिन ठाकुर जी बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करूंगा, ध्यान देकर सुनो, बोले आप किसको घर में भोजन करोगे, माता जी कहाँ जा रहे हो, जितने देर फोन आई चुप बंद कर दो बैठो, मेहमान आ रहा कोई भी आ रही 2 मिनट तुम नहीं जाओगे तो महिमा चल जाए, चुप बैठो 5 मिनट बैठो, सत्संग सुबह से नहीं उठती है महिमा, महिमा के साथ जिंदगी लगाएगी, जिंदगी तो ही क्या और क्या क्या, सुन लो ध्यान से। इसलिए भगवान को निमंत्रण दिया, बोले ठाकुर जी आज हमारे घर में भोजन है, लेकिन भगवान एक चीज को सिखा देने के लिए बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में भोजन करोगे, बोले जो लखपति बनेगा, जो और उसी समय लखपति मतलब है 5.5 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर होगा, 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में, उसको घर में खाएंगे। बोले प्रभु हमारे घर में 100 भी नहीं है, तुम्हारे घर में कितने है, 1,000 कहते हमारे घर में 100 भी स्वर्ण मोहर नहीं, आप कह रहे हो जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर उसको घर में खाना खाएंगे, फिर क्या हमारे घर में आप नहीं खाओगे। देखो ठाकुर क्या सिखा देते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन है, बोले रोजाना जो ठाकुर जी का 1,00,000 नाम लेता है, ठाकुर जी का 1,00,000 नाम लेता है वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती है जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हो गए सबके सब। हाँ मेरे तर्क में देखो आप लखपति कैसे बनोगे, इधर देख लो, देखो ये माला है, हैं लखपति कैसे बनोगे,
हमारे बैंक में कैसे 1 लाख रोज कैसे डिपॉजिट होगा, यहाँ का तो पैसा ले नहीं सकते हो, लेकिन कौन सा धन तुम्हारे साथ में जाएगी, ये नाम धन। इसमें 108 मोती है, हैं? जैसे हम प्रभु का नाम जप करते हैं ना, मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बार बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल करना है, इसमें एक मोती सरकाते हैं, एक मोती, फिर दो बार बोल कर दो मोती, तीन बार बोल कर तीन मोती सरकाते हैं, इसमें 108 मोती है। देखो कैसे 1 लाख होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना बार हो गया, 16 बार हो गया। एक बार जो भी हरे कृष्ण पूरा नाम लिए 16 बार हो गया, ठीक है। इसमें 108 मोती हैं। जब माला करते करते जब यहाँ पर खत्म हो जाते ना, जैसे सीख लो कैसे लखपति बनोगे, जैसे यहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर इसको ऊपर में, इसको हाथ को हम ऊपर में लंघन नहीं, इसको ऊपर में इसको पार नहीं करते हैं, फिर इधर से घुमा देते हैं, इधर से घुमा कर फिर माला करते हैं। अगर ऐसे अगर हमने 16 माला कर ली वो हिसाब से हो गया 25,000, अगर हमने 64 माला कर ली कितना हो जाएगा, 1 लाख। भगवान कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं जप किया है, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गए, ठाकुर खुद कहते हैं। इसलिए मीरा कहती है जिन जिन ने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए हैं, बड़े बड़े धनी हो गए हैं, बड़े बड़े। अब हनुमान का नाम जानते हो, जानते हुए नहीं, दिन भर क्या करता है, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, प्रभु का नाम जब करते है ना तभी तो उसको घर घर में पूजा कर रहे हैं। एक बंदर कोई पूछता है, हनुमान खुद कहता है किस घर में अगर बंदर घुस गया ना, बोले भैया साफ सुथरा कर दो, हनुमान खुद कहता है सवेरे अगर मेरा नाम कोई सुन लिया बंदर का मुंह देख लिया दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं देखो राम नाम की कितना ताकत है, मैं राम का नाम लेता हूँ, राम की भक्ति करता हूँ, देखो दुनिया में मेरी कितनी पूजा है। इसलिए राम का नाम में इतनी ताकत है, राम के नाम में इतनी ताकत है, मेरे को दुनिया में हमें पूज्य बना दिया ठाकुर का नाम। इसलिए मीरा का जगत में मीरा का नाम क्यों है, क्योंकि कृष्ण का नाम लेते थे, कृष्ण भक्ति करते थे, तभी तो मीरा की इतना नाम है, हैं? इसलिए अगर हम भी ठाकुर का नाम लेंगे ना, हमारा नाम भी जगत में अमर हो जाएगा, तुम भी अमर हो जाओगे, जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम होते रहेंगे। अरे ऐसे भक्तानी जनों होती, ठाकुर जिनको दर्शन दिया मीरा को क्यों याद करते हैं, बताओ क्यों याद करते हैं, ठाकुर का दर्शन किया है, लास्ट में ठाकुर में मिल गया, अंतिम से शरीर तो नहीं छोड़ा है, लास्ट में ठाकुर को शरीर में उसने लीन हो गई लास्ट में। अगर हम भी ऐसे ठाकुर का नाम जप करेंगे ना, जगत में तुम भी अमर हो जाओगे। तब ये मीरा यहाँ पर कहते जैसे 1 लाख प्रभु का नाम जप किया, 1 लाख नाम नहीं जप किया, बोले क्या किया, बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गए। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, बैंक में पैसा रखे होंगे, कहते कुछ ब्याज तो मिलनी चाहिए। तो मीरा कहती है बोले दिन बढ़ता सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाय। आज अगर 1 लाख नाम दिया ना, कल तुमको 1.25 लाख 1.25 लाख 4 दिन में 2 लाख, मतलब ये बैंक में पैसा प्रभु का नाम रूप बैंक में अगर पैसे जमा करोगे ना 4 दिन में, साधारण बैंक में जमा करो फिक्स रखो 8 साल में कभी डबल मिलता है, लेकिन प्रभु का नाम रूपी धन कर जब करो ना 4 दिन में डबल, और अंतिम समय में जब जाओगे ना पूरा ये धन तुमको कोई, अगर तुम जब करोगे तो तुम्हारे पति नहीं ले सकते, बेटे नहीं ले सकते, केवल तुम्हारी माँ, इसी जीवन में भी तुम मालिक बनोगे और अगले जीवन में तो तुमको ब्याज समेत मिलेगी। इसलिए कबीर कहते हैं, वो क्या कहते हैं, दुनिया में मरने में सब जग डरे, दुनिया में कौन मरना चाहते हो, मरना नाम सुनते कांप उठते, नहीं हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, मरने कोई चाहते हो, लेकिन कबीर कहता है सारा दुनिया तो मरने के लिए डरता है लेकिन मेरा मन आनंद है, मैं तो खुश होता हूँ। बोले भैया सारा दुनिया डरते तू क्यों खुश होता हूँ,
कबीर क्या कहते हैं, बोले कब मरिए कब भेटिए परमानंद, मेरे को पता है जिंदगी भर प्रभु का नाम जप किया, माला जप किया मैंने, हैं मेरे लिए गोलोक वृंदावन से रथ आएगा, हम सीधा भगवान के पास में जाएंगे, क्यों प्रभु का नाम रूपी धन मेरा बहुत इकट्ठे किया हुआ। लेकिन हम क्यों डरते हैं मरने के लिए, क्यों डरते हो, भजन नहीं किया ना, हरि नाम माला तक नहीं किया, दुनियादारी बेटी नाती पोती दुनियादारी के नाम किया, इसलिए हम डरते हैं, इसलिए डरते हैं, कारण है हम प्रभु की भजन नहीं किए हैं। अगर प्रभु का भजन करोगे ना, ए तुम्हारे लिए गोलोक वृंदावन से रथ आएगा। ध्रुव जी का नाम सुने होंगे ना, ध्रुव जी का नाम सुने, वो कैसे गया, काल के सर के ऊपर प्यार रख करके, उनका शरीर छोड़ना नहीं पड़ा है, काल के शरीर पे प्यार रख करके इस शरीर में उसने वैकुंठ विजय किया, ठाकुर को शरीर में शरीर भी छोड़ना नहीं पड़ा, ध्रुव जी सीधा ठाकुर के पास में रथ आया, बैठ करके सीधा ठाकुर के पास में गया, काल स्वयं आ गया था उसको प्यार में, उसका सर पर प्यार रख दिया। मतलब जो भगवान का नाम जप करते हैं ना, उनको काल भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, उसको काल भी उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, हैं? भगवान के नाम में इतने शक्ति ठाकुर का नाम पर, ठीक है ना, सब लोग क्या करना, ठाकुर जी की नाम जप करना है। इसलिए एक भजन है, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हरे कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला नहीं, कौन है दिल वाला, दिल वाला मतलब जिसका दिल मजबूत है, नहीं तो हम कभी कहते हैं ना, अगर कोई सिगरेट फूंकता है कोई शराब पीता है तो दुनिया कुछ नहीं बोलता, घूम रहे शराब पीकर मस्त हो गए, सिगरेट लड़की बाजी कर रहे कोई दुनिया बोलता है, लेकिन जब हम थोड़ी सी भक्ति गले में कंठी तिलक लगा दिया तो बोले तुम क्या बाबा जी बन गए, तुम क्या संतनी बन गई, क्या गले में कंठी पहन करके क्या तिलक लगा, हाँ बड़ी बड़ी भगत दिखा रहे हो, बोलते ना बड़ी भक्ता नहीं दिखा रहे हो, लोग उल्टा उल्टा बोलने लग जाती है, लेकिन चोरी बदमाश के करे ना कुछ नहीं करे, फिर थोड़ा माला जप करना, अगर पति अगर करेगा तो लोग काम धाम नहीं दिन भर माला लेकर बैठ जाते, पति ने अगर करेगा बोले कौन सा बाबा जी चक्कर तो पड़ गई माला लेकर बैठ जाती हो, मतलब भगवान भजन करो ना उसमें कितने बाधा है, इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जिसका दिल मजबूत है, दुनिया मीरा जो मीरा का नाम सुनी होगी, मीरा ने जो भजन की उसका पति ने विरोध किया, राणा ने उसका देवर ने और ननद सास से उसको पीछे ऐसे लग गई जो सोच नहीं सकती हो, बोले क्या रा उस आधार नगर की नहीं थी और राजा का रानी थी ना, राजा की बहू थी, राज रानी घरानी की थी, जहाँ संतों का संग हो वही पर प्रभु का नाम से कीर्तन नाचने शुरू कर देती थी, उसने पूरा उसको विरोध हो गए, एक कुत्ता तक भी उसका पीछा नहीं छोड़े, लेकिन देखो जगत में नाम किसकी हो रही है अभी, मीरा की नाम हो रही है, मीरा की नाम हो रही, मतलब भगवान की भजन करोगे ना, भले ही दुनिया तुमको कुछ नहीं बोली, कहता मैं कहते हो गई तेरी दुनिया क्या जाने, मैं तो है गई तेरी दुनिया क्या जाने, दुनिया को क्या पता है कृष्ण भक्ति में क्या रस है, क्या आनंद है, दुनिया को क्या पता है, हैं? कहते भैया किसने किसने माला जप की, किसको क्या क्या मिला, बोले माला जपी थी जसोदा माने, माला जपी थी जसोदा माने, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई
कौन जप करे अमृत का नाम वाला कोई हाथ में खड़े क्या चक्कर है लगता है सब यहाँ के लोग तो अच्छे लोग हैं सब हैं सबके सब प्रभु का नाम जप करना चाहते हैं ठीक है ना सबके सब माला जप करियो लेकिन ये नियम है जो माला है ना किसी साधु से लेनी चाहिए अपने आप करो उधर नाम फल तो मिलेगा भगवान का नाम कोई बेकार नहीं जाता है आए थे ना इसलिए नियम है भगवान का नाम किसी साधु से जब लेते हैं वो नाम हमें भगवान तक पहुंचा देता है अगर साधु से नहीं लेकर वैसे से जब करेंगे फल तो होगा लेकिन बड़ी जन्म तक भटकना पड़ेगा उसको बाद में जाकर के कहीं प्रभु मिलेंगे लेकिन जब किसी साधु से लेते हैं भगवान का नाम फिर ये हमें सीधा ठाकुर के पास में पहुंचा देते हैं जैसे भगवान राम है बताओ इनका गुरु कौन थे भगवान राम का गुरु कौन थे वशिष्ठ जी थे है वशिष्ठ भगवान कृष्ण का गुरु कौन थे बोलो जब पढ़ने के लिए गए थे शांतिपनी मुनि से पढ़ने के लिए गए लेकिन वैसे उनको जो मथुरा में रहे उनको गर्गाचार्य थे गर्गाचार्य उनकी गुरु थे इसलिए नियम है किसी सतगुरु सेवा किसी भक्तों से भगवान की भक्त से जब प्रभु का नाम लेते हैं वो नाम हमें क्या करता है भगवान तक पहुंचा देता है इसलिए आप लोग सबके सब माला जप करो और ये काम करियो जैसे भगवान के नाम जप करने ना गंदे चीज छोड़ देनी चाहिए अब लोग तो मांस मछली कोई खाते नहीं होंगे इधर सब अच्छे लोग हैं मांस मछली तो कोई खाते नहीं ना कि कोई खाते हो इधर अंडा तो खाते नहीं अंडा भी नहीं खाते हो ना लेकिन एक चीज खाते हो प्याज लहसुन खाते हो जैसे प्याज लहसुन खाते होंगे ना खाते हो प्याज लहसुन हाँ लेकिन ये भी अच्छी चीज नहीं है इसलिए जैसे नवरात्रि आती है ना हम लोग रखते हो नवरात्रि कौन कौन रखते हो नवरात्रि आप नौ दिन तो कोई प्याज लहसुन खाते हो नहीं खाते हो ना क्यों नहीं खाते हो बोलो ये माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो क्या मैया को नौ दिन तक के लिए खुश करो खा करके नाराज करते हो इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए ये चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगती है ठाकुर जी को भगवान को ये चीज भोग नहीं लगती है इसलिए ये जो चीज है इसलिए ये तामसिक वस्तु है ये तामसिक वस्तु है देखो ध्यान दे सुना ये चीज को क्यों नहीं खाते नवरात्रि में इसको क्यों नहीं खाते माता ध्यान देकर सुना ध्यान देकर सुनो इसको नवरात्रि क्यों नवरात्रि में नहीं खाती ये माता जी को क्यों पसंद नहीं ये हमारे ठाकुर जी को कान्हा को क्यों पसंद नहीं कारण क्या इसको सुनो भागवत तो सुने होंगे जिस समय समुद्र मंथन से अमृत निकला इतने में दैत्यो ने छीन लिया इतने में भगवान ने देखा अगर दैत्य अगर अमृत पान कर अमर हो जाएगी दुनिया के लिए हानिकारक इसमें ठाकुर जी मोहिनी अवतार लिया और अमृत ले लिया बोले तुम लोग दो लाइन में बैठ जाओ मैं बांट देती हूँ पहले बोले ये देवता को पहले अमृत पिलाता हूँ फिर तुम लोग को पिलाऊंगी जब अमृत बांट रहे थे इतने में एक सौर भान नाम का दैत्य था लगता भैया कुछ गड़बड़ी लग रहा है हो ना हो या अमृत पूरा देवता को नहीं पिला दे उसने आकर के चंद्र सूर्य को बीच में बैठ गया अभी तो उन्होंने धोखे से अमृत पी लिया जब अमृत पी लिया इतने में चंद्र सूर्य इशारा किया बोले प्रभु ये धोखे से ये दैत्य अमृत पी लिया ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को बुलाया उसका गला काट दिया जब गला काट दिए जहां पर उसकी मांस गिरा वहीं पर ये प्याज की पौधा हुई जहां पर उसका हड्डी गिर पड़ा वहां पर लहसुन की पौधा हुई है ये दूसरी कथा आती है पहले पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे गो माता पालते थे हर घर घर में गैया रहती थी हर घर घर में गो सेवा करते थे क्योंकि गैया को अंदर में 33 करोड़ देवता लक्ष्मी सरस्वती का निवास है गैया सेवा करने से लक्ष्मी घर में बढ़ती है माँ लक्ष्मी की कृपा होती है गैया आश्रम में रखते थे लेकिन जो गैया कोई बूढ़ी हो जाती थी गैया को मारने नहीं देते क्यों गो माता है लेकिन पहले ऋषि मुनियों के पास में दिव्य मंत्र होता था वो क्या करते थे यज्ञ करते थे
वो गैया को उसमें बलिदान देकर आहुति देते थे, इतने मंत्र शक्ति थी, मंत्र शक्ति थे, फिर गैया को जवान बना देते थे। अभी कोई गैया बूढ़ी हो गई तो उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान की और उसको बलिदान दिया, सबको हाथ में दे दिया। अभी हर तरह का व्यक्ति होते हैं, किसी व्यक्ति ने मांस देकर खाने की इच्छा हो, बोले सबको सामने खाऊं कि सबको छुपा देता हूँ, रात में छुपा दिया, दुबका दिया, सब लोगों ने आहुति डाले, ऋषि ने मंत्र जब पढ़ा था गैया एकदम जवानी बन करके कुंड से प्रकट हुई। लेकिन गैया का शरीर तो पूरा पूरा था, लेकिन जिस अंग का मांस को उन्होंने छुपा कर रखा था ना, वो जगह भरा नहीं, वो घाव बना हुआ था। वो तो त्रिकाल ऋषि थे, उन्होंने ध्यान लगाए, बोले ये जगह भरा क्यों नहीं। जब उन्होंने ध्यान लगा कर देखा, किसी ने ये मांस खाने का लोभ से किसी ने उसको छुपाया, फिर ऋषि ने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को गाड़ दिया वहां पर प्याज की पौधा होगी। देखना मांस जैसे लाल लाल रंग के, प्याज भी लाल लाल रंग के, मांस सड़ जाए बदबू आती है ना, बदबू आती है। प्याज कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू आएगी नहीं, यहाँ पर प्याज कटे हुए पूरा घर में पता चलेगा प्याज कहीं कट रही है, प्याज की छोंक दो, देखना पूरा घर घर में बदबू फैल जाती है। क्योंकि उसका जो सृष्टि है वो तामसिक, इसलिए कृष्ण गीता में तीन तर्क आहार की बात बताए, सात्विक राजसिक और तामसिक कृष्ण कहते हैं। इसलिए ये जो भोजन है ये तामसिक भोजन है ना, प्याज जहाँ हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन हुई। इसलिए देखना ये तो चीज ठाकुर को भोग लगता है, कान्हा को, भगवान राम को, नारायण को, हनुमान को भोग लगता है, नवरात्रि में चीज को खाते हो, क्यों नहीं खाते हो, कारण क्या है। उसका जो सृष्टि हुई ना वो गंदी चीज से सृष्टि हुई है। फिर आप बोलोगे फिर तुम्हारे घर में कैसे आ गई, तुम्हारे घर में आई कैसे, बोले पहले अब तुम्हारे घर में देख लो, एक पीढ़ी पहले देखो वो तुम्हारे घर में नहीं आता होगा। पहले आया कैसे, बोले मुगल लोग ने लाए, कौन लाए, मुसलमान लाए, ये सब चीज मांस मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये मुसलमान लोग ने लाए, कोई हिंदू घर में पहले, अब एक दो पीढ़ी पहले तुम्हारे घर में देखो किसी हिंदू घर में ये चीज नहीं घुसाते थे। बोले क्यों, हर घर में ये ठाकुर जी रहते थे, हर घर में, किसी घर में लड्डू गोपाल होगा, राम होगा, नारायण होगा, हर घर में हिंदू घर पूजा करते ना पहले ठाकुर जी, पहले जो खाते थे ठाकुर को भोग लगा कर खाते थे, हर घर में यही माताएं करती थी, इसलिए किसी हिंदू लोग नहीं खाते थे। लेकिन ये मुसलमान ला कर हम सब मुसलमान बना दिए, लेकिन मुसलमानों ने हमारे कोई भी धर्म नहीं ग्रहण किया। देखो तुम्हारी कोई शिक्षा कोई मुसलमान लेता है, लेकिन धीरे 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 हम लोग शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, प्याज खाना, धीरे धीरे ये हिंदू सब धीरे धीरे मुसलमान होना शुरू कर दिया। लेकिन हमें इनका धर्म नहीं लेनी चाहिए, अपना जो सनातन धर्म अपना हिंदू धर्म है, भगवान की सेवा करना, पूजा करना, जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगा कर खाओ, है ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ। देखो ध्यान देकर सुना, ठाकुर जी को भोग लगाने से कितना पुण्य, सुन कितने महिमा है। देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ते आत्मकारणा, मतलब है जो लोग मेरे को भोग नहीं लगाते अपना लिए बना कर खुद खा लेते हैं, बोले भुंजन्ते तु अघम के तो पाप भोजन करते हैं, लेकिन जो मेरे को भोग लगाते हैं, भगवान कहते जो मेरे को भोग लगाते हैं बोले मुच्छन्ति सर्व क्लेशाय, वो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं, वो अमृत भोजन करते हैं। मीरा का नाम सुन रहे थे ना, मीरा जी की, मीरा का नाम सुन रही थी, राणा ने भेजा 20 का प्याला अमृत करके पी गई, कहते ना मीरा ने, मीरा को मारने के लिए राणा ने कोशिश की, क्या भेजा, जहर भेज दिया। लेकिन मीरा क्या करती थी, जब तक गिरिधर लाल को भोग नहीं लगाया वो तो भोजन नहीं करती थी, पहले कान्हा को भोग लगाया, और भगवान की जब उसमें दृष्टि पड़ गई ना वो जहर क्या बन गई, अमृत बन गई। अब मीरा ने अमृत को पान कर लिया, क्यों, कान्हा को भोग लगा दिया। अब लोग सुदामा का कथा सुना, टीवी में देखे होंगे, सुदामा कथा देखे होंगे, ये पहले गरीबी क्यों बना फिर धनी क्यों बना, कारण क्या, बोले कारण बताए। अब देखे होंगे टीवी में, जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, इनका गुरु माता ने सुदामा को चाना दिया था, बोले देख बेटा कान्हा को देख कर खाई हो। अब देखे होंगे वो पेड़ के ऊपर चढ़ते अकेले कर खा लिया, खाया ना ठाकुर जी, बोले मेरे हिस्सा के खाया, इसलिए उसको गरीब भोगना पड़ा, उसको बड़ी गरीब उठाया, लेकिन धनी का बना। जब उसको पत्नी को पता चला इनके बचपन का यार द्वारकाधीश भगवान, बोले एक बार ठाकुर को दर्शन करने जाओ, बोले देखो ठाकुर के पास में खाली हाथ में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने 2 मिनट चिड़िया मांग करके लाए, लेकिन ठाकुर को नहीं दे रहा था, बोले शर्म रहा था, कहाँ राजभवन,
छापन भोग खाते हैं, चिड़वा देगा ठाकुर का पेट खराब हो जाएगा। लेकिन भक्त का वस्तु भगवान का प्यारा है। कृष्ण ने पूछा भाभी ने कुछ भेजा नहीं? बोले नहीं। बोले बगले में तू क्या दवा करके छुपा कर रखे? बोले कुछ नहीं। बोले लगता है कुछ रखे हो। कृष्ण ने छीन लिया पोटली को, बोले एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए। जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रही थी, रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं प्रभु, आपने दो मुट्ठी खा लिया तो उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया। अगर आप तीसरी मुट्ठी खा लोगे ना, फिर तो मेरे को उसी घर में दासी बनना पड़ेगा। टीवी देखे होंगे, जब सुदामा आया वो झोपड़ी नहीं, वो तुलसी के पौधा नहीं, वहां पर राजभवन खड़ा हुआ, उसकी पत्नी राज रानी बनकर बैठी हुई। अभी पत्नी उस सुदामा तो सोचा शायद मैं कहीं भूल गया। सुदामा सोच रहा है मैं शायद भूल कर कहीं आ गया है। इतने में उसकी पत्नी आरती की थाला लेकर सुदामा को आरती उतारने के लिए आई। सुदामा सोच रही है ये राजकुमारी ये मेरे तरफ में क्यों आ रही है? वो पीछे हट रहा है। उसको पत्नी ने सुशीला बोली, पीछे क्यों हट रहा? बोले तू है कौन? बोले मैं आपको वही सुशीला। देखने लगती, बोले तू तो ऐसे लग रही, सब क्या है? बोले ठाकुर के लिए चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया। देखो कितने महिमा ठाकुर को देकर खाने का। ठाकुर को देकर खाओगे ना, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में लक्ष्मी आएगी। तो और एक चीज समझो, ठाकुर को देने से लक्ष्मी क्यों आती है? कारण क्या है? जो चीज हम खरीदी करते हैं पैसा से, किससे खरीदी करते हैं? पैसा को क्या कहते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी तुम्हारी ना, लक्ष्मी ठाकुर जी की। बोलो ये चीज अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो। लक्ष्मी किसकी है? ठाकुर जी की। अगर वो लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगी, अगर वो लक्ष्मी को देकर गंदी चीज खरीदी करोगे खाओगे, लक्ष्मी कभी खुश होगी तुम्हारे पर? नहीं खुश होगी, नाराज हो जाएगी, नाराज हो जाएगी तुम्हारे पर में। मैं तुम्हारी नहीं, मैं ठाकुर जी का हूँ। लेकिन लक्ष्मी जैसे तुम लोग भी किसकी लक्ष्मी हो गए घर की? तुम लोग भी तो लक्ष्मी स्वरूप ना, स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूप नहीं बताया। तुम्हारे भी कोई पति होगा तो तुम्हारी क्या धर्म? पति की सेवा करना धर्म है ना हमारी। इसलिए लक्ष्मी जब ठाकुर को सेवा में लग गई, लक्ष्मी खुश हो जाती है। आशीर्वाद बेटा, खूब खुश रहो बेटा, खूब परिवार में आनंद में रहो। हैं लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर में सुखी रहते हैं। अगर जिस घर में लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लग रही, करोड़ों रुपया भले ही तुम्हारे घर में आ जाएगी, लेकिन आप उस घर में शांति नहीं रहेगी। घर में शांति सुख कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? लक्ष्मी को तुम भोग करने चाह रहे हो, भोग कर रहे हो, लेकिन लक्ष्मी का मालिक तो ठाकुर है। वो ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहे। पैसा आ जाएगी, लेकिन घर में मामला मकदमा लड़ाई झगड़ा ऐसे लगा देगी ना, सारे पैसा बह जाएगी, कहीं ना कहीं चली जाएगी। क्यों? तुम ठाकुर को सेवा नहीं कर रहे हो, वो लक्ष्मी को तुम गलत काम पर लगा रहे हो, भोग कर रहे हो। इसलिए क्या करनी चाहिए लक्ष्मी को? भगवान की सेवा में लगा, ठीक है ना। घर में जो कुछ खाना बनाते हो ठाकुर को, तुम लोग बोलोगे बच्चे बात नहीं सुनेंगे, घर में तो सब प्याज लहसुन खा रहे, घर में प्याज लहसुन खा रहे हम तो। लेकिन पहले तुम लोग, तुम खुद सुधर, भले ही पर पति बच्चे खा रहे हैं, कोशिश करो समझाने की, लेकिन नहीं मानते। तुम ठाकुर के लिए थोड़ा बना दो, ठाकुर के लिए अलग बना दो, ठाकुर को भोग लगा, तुम स्वयं खाओ, तुम स्वयं खाओ। धीरे धीरे जब ये प्रसाद को परिवार में खिलाओ, देखो गीता का श्लोक है, बोले प्रसाद ये सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते। जिस घर में ठाकुर को भोग लगता है, प्रसाद खाते हैं, सर्व दुखानाम घर का सब दुख दूर हो जाता है। कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे, गीता का श्लोक है, उसका घर में कोई दुर्भगष्ट नहीं रहेगा। क्यों? लक्ष्मी ठाकुर का सेवा में कहते ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अगर ठाकुर का जैसे एक चीज देखो, घर में रोज तुम्हारे प्याज लहसुन बन रहा है, रोज खा रहे हो, लेकिन घर में कोई तिथि दीवार आ गई, जिस दिन ठाकुर को भोग लगता है, देखना जिस दिन ठाकुर को भोग लगेगा वो खाने में अलग स्वाद आता है कि नहीं? बोलो खुद बोलो, आता है ना। क्यों? ठाकुर जी को भोग लगा, ठाकुर जी को अगर रोज अगर ठाकुर को भोग लगेगा, आनंद ही आनंद, मजा ही मजा है, ठीक है ना। इसलिए धीरे धीरे कोशिश करना, ठीक है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगा कर खाओ, और भगवान की भक्ति करो, भजन करो, और एकादशी व्रत भी रखो। एकादशी व्रत रखते हो? कौन कौन रखते हो? हाथ उठाओ तो सब हाथ उठाओ। कौन कौन? सही सही बताओ, कौन एकादशी व्रत रखते हो? सर्वना नहीं, सर्वना नहीं, कौन कौन एकादशी व्रत? हाँ थोड़ी सी देखो, एकादशी की क्या महिमा सुन लो। जो एकादशी, इसको बताया ये कल्पतरु व्रत। क्या नाम है? कल्पतरु मतलब होता है कल्प वृक्ष, मतलब होता है वो वृक्षों के नीचे बैठी करके जो मांगोगे वही इच्छा पूरी हो जाती है।
जो मांगोगे वही इच्छा पूरी होगी। बोले क्यों? इसके कल्पत और व्रत क्यों बताए? कभी 15 दिन में एक बार ये एकादशी आती है, है? आप कभी एकादशी का पुस्तक पढ़ करके सुन देख लेना, नहीं तो हमारे मंदिर में आकर ले आना, पढ़ करके देखना। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिसके घर में कोई संतान नहीं हो रहे, पुत्र जन्म नहीं हो रही है, अगर ये पुत्रदा एकादशी घर व्रत रखो घर में बेटा जन्म लेगा। भागवत पढ़कर देखो, नंदा बाबा का पहले बेटा नहीं था, नंदा बाबा का उन्होंने सारे व्रत कर चुके थे लेकिन घर में बेटा नहीं, बड़े दुखी थे। लेकिन जब पुत्रदा एकादशी आई ना, बोले हमने तो सारे व्रत रखे लेकिन अभी पुत्रदा एकादशी व्रत नहीं रखे। जब किए उसी दिन उनको गर्भ माँ जसोदा गर्भ में उसी रात को काना है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिस घर में पैसा की कमी है, लक्ष्मी की कमी, वो एकादशी व्रत कर घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, घर में लक्ष्मी आती है। एक एकादशी का नाम है अर्णदा, अर्णदा मतलब जिस घर में अन्न शस्य की कमी है वो एकादशी करो ना घर में खूब अन्न आएगा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मोक्षदा मतलब क्या? जिस एकादशी करने से संसार से तुमको छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मृत्यु से तुमको छुटकारा मुक्ति मिल जाएगी, इसे मोक्षदा। एक एकादशी का नाम है विजया, मतलब जो एकादशी करने पर तुम्हारे सब जगह में विजय होगा, जहां भी तुम जाओगे कोई भी तुम काम करोगे ना सब जगह तुम्हारी विजय होगा, इसलिए उसका नाम विजया। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, संसार में हम दुख क्यों भोग कर रहे हैं? पूर्व जन्म का पाप से, पाप से तो भोग कर रहे हैं ना, लेकिन वो एकादशी करोगे ना तुम्हारे पाप खत्म हो जाएगी। तुम इसी दुनिया में देखना, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सजा में लेटा हुआ लेकिन प्राण नहीं जा रहे, बड़ा कष्ट भोग कर रहा है, किसी ब्राह्मण को बुलाओ भैया इनकी चलते चलते मुक्ति कैसे होगा, बड़ा कष्ट भोग कर रहे, कैसे मुक्ति होगी, क्या बोलेगा बोल तो? कोई घर में है जो एकादशी व्रत करके फल दे सकता, और कोई बार व्रत का नाम कोई नहीं बोलेगा, मतलब भाई एकादशी व्रत करके उसका फल क्या आप उसको दे सकते हो? जल्दी जल्दी मुक्ति हो जाएगी, जल्दी जल्दी। मैंने एक जगह ने हजार जगह में हमने देखा, बड़े कष्ट उठा रहे थे, मैं विदेश गया था, 2 साल से हॉस्पिटल में जो पड़ा हुआ था, शरीर में केवल हड्डी हड्डी था, मृत्यु नहीं हो रही थी। उनको पता चला भारत से कोई संत आए, वो यूरोप का बात में कह रहा विदेश का, तो उनको पता चला भारत से कोई संत आए, उनको बुला कर मेरे को लेकर गए हॉस्पिटल में, देखा उनका शरीर पूरा बिस्तर में लगा हुआ है, शरीर में कुछ नहीं, प्राण अटक गया गले में, अटक गया गले में, प्राण नहीं जा रहे। बोले बाबा इतने पैसे जा रहे, इनका दुख नहीं देखा जा रहा, आप बताओ क्या होगा? मैंने कहा एक काम करो, एकादशी व्रत करके इसका फल इनको दे दो, परिवार पूरा एकादशी व्रत को फल दे दो। बोले अभी 10 दिन बाकी है बाबा। बोले मैं उन सबका हाथ में पानी दिया, फूल दिया, बोले सब संकल्प करो, हम सबके सब एकादशी का दी, एकादशी जो आएगा करेंगे इसका फल दे, सबको मैं हाथ में पानी दिया, संकल्प पढ़ा, बोले हम सब एकादशी व्रत देंगे। मैं जब वहां से वापस आया ना, 2 घंटा बाद में था फोन आया, बोले बाबा इनकी शरीर छूट गई 2 घंटा में एकादशी। इसलिए भागवत में देखो, कोई सोम, कोई मंगल, कोई बृहस्पति, कोई व्रत का नाम भागवत में नहीं, सारे व्रत व्यास देव ने लिखे, लेकिन शांति नहीं मिला जब एकादशी कथा उन्होंने सुनाई। एकादशी की महिमा भागवत में अम्बरीश महाराज करते थे, नंद जसोदा करते थे, तभी एकादशी में भागवत में एकादशी कथा थी, इतने महिमा एकादशी की, ठीक है ना? लेकिन कोई कोई मन में भ्रम है, बोले इसका फिर उद्यापना करना पड़ता है। नहीं, हमारी भक्ति जगत में कोई उद्यापना की बात नहीं, जब तक तुम्हारी समर्थ कभी भी उठा सकती हो, जब तक तुम्हारी समर्थ एकादशी व्रत रखो, जब तक समर्थ अन्न मत खाया करो। तुम पता जैसे नवरात्र में जैसे फल मूल खाते हो, व्रत रखते हो, है ऐसे, जब तक तुम्हारी इच्छा तब तक रखो, कोई ये नहीं जे नहीं, नहीं हमारी भक्ति जगत में जो एकादशी को ना, ये हमारे मानते राधा जी, राधा रानी का स्वरूप मानते हैं, हम भक्ति देवी मानते हैं, इसलिए भक्ति को थोड़ी बुद्धिपना मतलब उसको छोड़ देना। राधा रानी घर में आई लक्ष्मी, उनको थोड़ी त्याग दे देते हो। हम लोग जब तक समर्थ है तब तक एकादशी व्रत रखो, जब समर्थ नहीं मत रखा करो, ठीक है ना? वहां पर तो बताया 8 साल से 80 साल तक इसको करनी चाहिए, 8 साल तक 80 साल से व्रत हमें करनी चाहिए। इसलिए फिर कोई कहते नहीं उसको तो विधवा को करनी चाहिए, ये फिर सधवा को नहीं। अब भागवत पढ़कर देखो ना, तू सब कर सको। नंद जसोदा क्या, जसोदा भैया क्या विधवा थी? रुक्मिणी सत्यभामा करती थी, कौन करती थी? द्रौपदी करती थी। सबसे जो बड़ा एकादशी कौन सा? पांडवा निर्जला, सबसे बड़ी, जिसको पांडव लोग द्रौपदी को साथ में किया, द्रौपदी का विधवा थी। भागवत पढ़ करके देखो,
जिसको श्री अम्बरीश महाराज पत्नी को साथ में मथुरा में एकादशी व्रत किया, जिसमें जहां पर स्वयं दुर्वासा ऋषि आए, पढ़ करके देखो ना, नहीं ये एकादशी 8 साल से लेकर के 80 साल तक सबको एकादशी, कभी कभी पंडित लोग ना भ्रमित कर देते हैं, ये पंडित तो स्वयं भ्रमित है, जो पंडित लोग है ना मंदिर मंदिर मिलेंगे वो स्वयं भ्रमित है, जिनको कुछ भी पता नहीं, शास्त्र भास्त्र से कोई मतलब नहीं है, स्वयं गुटका फुटका खाते है, उल्टा पुल्टा खाते लोगों को भी भ्रमित कर देते हैं, इसलिए ये एकादशी व्रत भागवत स्वयं पढ़ करके सुन करके देखो स्वयं भागवत में, इस भागवत की बात हम बता रहे, इसलिए समर्थ एकादशी व्रत रखो, ठीक है ना, एकादशी व्रत रखो। एकादशी का दिन अर्ण में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये जितने सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में रहते हैं, इसलिए एकादशी का दिन जो अर्ण खाते हैं उनको सारे पाप भुगतना पड़ता है, जैसे सोमवार नहीं करोगे, मंगलवार नहीं करोगे, तुमको कोई हानि नहीं होगा, कोई नुकसान ही नहीं होगा, लेकिन एकादशी नहीं करोगे तो नुकसान ही है, पाप लगेगा, पाप लगेगा, और कोई व्रत मत करो तुम्हारी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एकादशी नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि उसी दिन अर्ण में सारे पाप रहते, ठीक है ना, एकादशी व्रत रखो। और एक बात है, सबके सब हरि नाम करना, ठीक है, जिसको इच्छा हम माला जप करेंगे, हमारे मंदिर में आ जाना, हमारे मंदिर में आ जाना, माला ले आना वहां से, और गले में सबके सब तुलसी की कट्टी पहना करो, ये जो गले में तुलसी गड्डी पहनते हैं ना, ये तुलसी कोई साधारण चीज नहीं, आप लोग तो हिंदू लोग है, देखना ये सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है, देखे वो तुलसी को शादी होती है, क्यों, ये तुलसी कौन है, लक्ष्मी, तुलसी लक्ष्मी, हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी, क्यों वृंदावन में, क्यों बांके बिहारी, वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब तुलसी का बैर, जहां तुलसी का बैर वहीं पर बांके बिहारी, मतलब क्या हो गया, तुलसी में कौन कौन निवास कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी बांके बिहारी, इसका मतलब जिसकी गले में तुलसी इकट्ठी है ना, लक्ष्मी नारायण स्वयं तुम्हारी गला में निवास कर, जैसे ठाकुर को भोग लगाते होगे, भोग लगाते हो ठाकुर को, कितना छप्पन भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने, ठाकुर को भले ही जितने भोग लगा दो अगर उसमें तुलसी पता नहीं दोगे ना, ठाकुर जिसको स्वीकार नहीं करते हैं, कि ठीक उसी तरह ये जो शरीर है, कहते पंच रचित ये अधम शरीर, टाटी पेशाब का थली है, लेकिन गले में जब तुलसी कट्टी धारण कर लेते हैं, ये शरीर ठाकुर को समर्पित हो गया, मतलब जो गले में तुलसी कट्टी पहन लिया ना, आज से तुम बांके बिहारी की बन गई, ठाकुर जी के चरणों में तुम्हारी समर्पण हो गई, इसलिए जब महाराज जब दूतों को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनको मत लाइयो, बोले पता कैसे चलेगा कौन भक्ति नहीं करता है, भक्ति कौन करता है, कुछ तो लक्षण बता दो, तब जब महाराज कहते हैं उनको शरीर में 3 लक्षण दिखेगा, कितना लक्षण मिलेगा, 3, देखो ये श्लोक है, ललाटे तिलकम, देखो ललाट में तिलक लगाए, बोले कंठी त्रिकंठी का, गले में उसको तुलसी की कंठी देखोगे, बोले गोविंदम भगवान के नाम जप करते हो देखोगे, अगर ये 3 चीज देखोगे ना, समझना ये ठाकुर के लोग है, भगवान की ये ठाकुर जी के है, देखना जो व्यक्ति गले में कंठी पहनी हुई तिलक लगा हुई, देखने से कैसे चक लगता है, ठाकुर का आश्रय लियो, कोई भगत है, जैसे हम क्यों भगत गए, गला में कंठी तिलक, हम लोग ये वस्त्र पहने, पता चलता ना ये संत लोग प्रभु की आश्रय किए हुए है, इसलिए जब हम स्वयं कहते हैं गले में वो तुलसी की माला पहनते हैं, जो भक्त होते हैं गले में तुलसी कंठी, इसलिए एक उदाहरण देकर बताए, बोले 2 तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, 1 पालतू और 1 फालतू, कहते पालतू कुत्ते कैसे पता चलता है, गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, हाँ देखने से पता चलता है कि घर की कुत्ते है, देखना उसको कोई कुछ बोलते नहीं, घर की कुत्ता है ना, लेकिन जो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं वो कौन हो गए, फालतू, आप देखो ना पालतू को तो कोई मारेगा नहीं, फालतू को कोई छोड़ेगा, अगर हम गले में तुलसी कट्टी ना, हम किसका पालतू हो गए, बाकी भी ठाकुर के पालतू हो गए, हमारा देखना रोड में ज्यादा कुत्ते हो जाए ना, पुलिस में खबर चली जाते हैं, ज्यादा कुत्ते हो गए इधर उधर काट रहे घूम रहे, फिर पुलिस का फिर सरकार का लोग आते हैं, फिर गोली मार देते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन किसको ले जाते हैं, फालतू कुत्ते, पालतू कुत्ते को ले जाते हैं, कोई नहीं ले जाएगा, इसलिए गले में अगर तुलसी कट्टी है ना, तुम किसके पालतू हो, बोला किसके पालतू हो गए, बांके बिहारी के, आपको ऊपर में कोई भी जब जो तुम्हारे ऊपर में आंख उठा कर भी नहीं देखेगा, समझ जाएगा ये बांके बिहारी की, प्रणाम करेगा आपको, प्रणाम करेगा बांके बिहारी के, इसलिए गले में तुलसी कट्टी तिलक, तिलक का बड़ा महत्व है,
आप लोग तो हिंदू लोग देखना, जैसे कोई नए बिजनेस में कोई जा रहे हैं, अच्छे बिजनेस में हम क्या करते, तिलक लगा कर भेजते, जा बेटा तेरा काम, तिलक लगा कर भेजते कि नहीं। जैसे घर में कोई पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा, सबसे पहले तिलक लगाएगा, उसको बाद में पूजा कराएगा। जैसे तुम लोग सदभाव है, हमें कैसे पता चल रहा है तुम सदभाव? सिंदूर लगाए, मांग भरी, मंगल सूत्र पहन तो नाक में बेसर, पता चलता है ना ये सदभाव है, पति है, पति है, तब सब पता चलता है ना कि। इसलिए कहते अगर सिंदूर, अगर तुम रोड में जा रहे हो, तुम्हारी सिंदूर लगाए हो, मांग भरी हुई सिंदूर लगाए, मंगल सूत्र, अगर कोई पुरुष देखेगा ना क्या पता चलेगा, भैया ये किसी किसी व्यक्ति का स्त्री है, ये किसकी, इसको किसको साथ प्रणयिता शादी हुई है। आपके ऊपर नजर, बुरी नजर नहीं डालता है, बुरी नजर नहीं डालता, क्यों पता है, इसको कोई सपोर्ट करने वाले, इसका कोई पानी ग्रहण किसको साथ में किया है, हैं? इसलिए गले में अगर कंठी तिलक होगा ना, हमारे ऊपर कोई बुरी नजर नहीं डालेगा, भैया ये ठाकुर का लोग है, ये भगवान की दर, भगवान की लोग हैं, ठाकुर जी के, इसलिए ये तिलक कंठी की बड़ी महिमा। इसलिए भगवान का कहीं राम का कोई फटो है, भगवान राम का कृष्ण का देख लो, देखो भगवान कृष्ण का तिलक है, भगवान राम का देखोगे तिलक है, हनुमान जी का देखे आप देखना, गणेश जी को देखना तिलक है, हैं? अब नारायण को तो आधा वो देखोगे तिलक भरा हुआ, तिलक की बड़ी महिमा है। अगर तिलक लगा कर कहीं जाओगे ना, हम जो तिलक लगाते हैं, ये गोपी चंदन कहते, ये दो ना, ये ब्रह्मा है और ये बीच में विष्णु और ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये दो है, ये ठाकुर का दो चरण है बांके बिहार की। इसका नीचे देखो तुलसी जैसे पत्ता, ठाकुर के चरण में जैसे हम तुलसी दल देते हैं, ऐसे तुलसी दल जैसे ठाकुर जी के चरण में हमें तुलसी दल दिया। जो तिलक हम 12 जगह पर लगाते हैं, यहाँ यहाँ 12, ये 12 भगवान का नाम, ये जो तिलक है इसका नाम ललाट से केशव भगवान, उधर में नारायण, बख्खे माधव, कंठ गोविंद, ऐसे 12 जगह पर भगवान 12 रूप में ठाकुर बैठे हुए। ये तिलक की इतने महिमा, अगर तिलक लगाकर तुम कहीं चली गई ना, तुम्हारे ऊपर कोई भूत पिशाच डाकिन साकिन कोई तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, कोई, क्यों, ठाकुर जी तिलक रूप में तुम्हारे शरीर में, ठाकुर जी तिलक रूप में बैठे हुए, ये तिलक की बड़ी महिमा है। इसलिए आप लोग सब तिलक लगाओ, हम तो सब सनातन धर्मी हिंदू लोग हैं, हिंदू है ना हम लोग सब, इसलिए अपना धर्मों को हमें रक्षा करनी चाहिए। इसलिए आप भी भजन करो, बच्चों को अंदर भी अच्छे संस्कार डालो, बच्चों को तो बोलो, उनको भी बोले एक एक माला जप करने के लिए। देखना जो बच्चे का पढ़ाई सही नहीं हो रही, उसको ठीक से पढ़ता नहीं, उसको बोलो, उसको दिखाए ना प्रभु का माला जप करना, उसको बोले स्कूल जाने से पहले माला जप करके जा, देखना उसको पढ़ाई कैसे होता है, तो स्वयं देख लेना। केवल एक माला जप करके वो स्कूल में जाए, इसमें जो कृष्ण शब्द आया ना, क्री मतलब क्या, आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना। बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, चंचल है, लेकिन कृष्ण नाम लेते ही बच्चे का मन इधर उधर भटकेगा नहीं। कृष्ण क्री मतलब खींच करके ले आना उल्टा पुलटा रास्ता से, स्ना मतलब आनंद देना, राम मतलब आराम दे, हरे मतलब सारे पाप को जो दूर कर दे, हैं? बच्चे को भी बोलो स्कूल जाने से पहले एक माला जप करके जाए, देखना बच्चे संस्कारी बनेगा उसके अंदर में। देखो एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे, किसने आकर के बोला गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, सबका घर में एक ही कहानी है, बच्चे बच्चे, देखो गुरु जी ने क्या बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चे को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों का रामायण नहीं पढ़ेगा तो यही बता रहे, क्योंकि अगर रामायण पढ़ते, रामायण में क्या लिखा हुआ, प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु नमः माता, ठाकुर स्वयं रामायण देखोगे भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण छूते थे। अब रामायण देखेगे नहीं, जिस समय दशरथ महाराज सैन्य की हुई, भगवान राम जाकर दशरथ महाराज का चरण सेवा कर, देखेगे नहीं भगवान राम, गुरुदेव कहते अगर तुम रामायण पढ़ोगे नहीं, संस्कार कहां से पड़ेगा, बच्चों को तो रामायण पढ़ाया तो बोले नहीं, बोले जो पढ़ेगा नहीं रामायण, बच्चों का रामायण नहीं पढ़ेगा, फिर बच्चे तुम्हारे आदेश कैसे पालन करेंगे, उसको तो स्मार्टफोन पकड़ा देते 10-20 हजार साल ले ले स्मार्टफोन लेकर जीवन बर्बाद करना, लेकिन कभी बोलते नहीं तो गीता एक श्लोक याद कर, कभी रामायण का एक चौपाई याद कर, कभी बोलते हो तुम लोग बताओ, कभी बोलते हो बच्चे को, तो बच्चे गुरुदेव कहते फिर बच्चे बात कैसे सुनेंगे। लेकिन आप देखना मुसलमान बच्चों को शुक्रवार का दिन टोपी पहना कर छोटे छोटे बच्चों को पूरा रोड जाम कर देते हैं, सुने होंगे रोड जाम, मैंने एक 7 साल का एक मुसलमान बच्चे से देखा पतंग उड़ा रहा था, मैंने पूछा तेरा नाम क्या, वो नाम से पता चला मुसलमान, मैंने कहा तेरे को कुराना आता है, वो झटाझट कुराना बोलना शुरू कर दिया 7 साल का बच्चा,
मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र से बच्चों को कुरान सिखाते? बोले कंपलसरी 2 साल उम्र में बच्चों को कुरान पढ़ाए। 2 साल उम्र में किसी मुसलमान बच्चों को बोल दो कुरान बोलो तुम बोलो, लेकिन हमारे बच्चों को बोलो गीता का कोई श्लोक बोलो, रामायण का कोई चौक है। पिता माता को भी पता है, खुद पढ़ते हैं दिन भर, खुद भी स्मार्टफोन देखने लग जाते हैं, टीवी को सामने बैठ कर घटे घटे बिताते हैं। हम ये दोष है ना, पिता माता के दोष है, हम स्वयं पढ़ते नहीं करते नहीं, बच्चों को भी नहीं सिखाते। देखो हम चाहते हैं आपको बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़े, आपको बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार पड़े, बच्चे संस्कारी हो, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए, हाँ पिता माता की चरण छुए, पिता माता की आदेश से पालन करे, पढ़ाई में भी बढ़िया पढ़ाई करे बच्चे, हाँ गलत रास्ता पर नहीं जाए। इसलिए कौन चाहते हो तुम्हारे बच्चे बढ़िया हो, हाथ उठाओ तो, कौन कौन चाहते हो बच्चे बढ़िया हो? चाहते देखो इसका इसका मैं उपाय बताता हूँ, बच्चा तुम्हारी बढ़िया कैसे बन सकता है। देखो हमारे जो मंदिर में ना महीना में एक बार ये जो बच्चों को सेमिनार दे रहे हैं हमारे बाबा लोग, हमारे बाबा लोग मंदिर में सेमिनार देते हैं बच्चों का, ये हर महीना में शनिवार और इतवार हमने 2 दिन रखा है बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार कैसा है, पढ़ाई अच्छे तरह से करे, पिता माता को आदर करे, प्रभु का भक्ति करे, हमारे सनातन धर्म आगे बढ़े, हमारे हिंदू धर्म आगे बढ़े, क्रिश्चियन धीरे धीरे हमारे हिंदुओं को मुसलमान क्रिश्चियन बना रहे हैं, मुसलमान लोग भी अपना धर्म प्रचार करके मुसलमान हिंदुओं को बना रहे हैं। हम चाहते हैं अपना धर्म सही रहे, अपना सनातन धर्म सही रहे, हमारी हैं हमारी बहु बेटी भी अच्छे बने, संस्कारी बने, सास ससुर को इज्जत करे, हम ये चाहते हैं। इसलिए हमारे मंदिर में शनिवार महीना में शनिवार इतवार 2 दिन वहाँ सेमिनार हम रखे, इसलिए वहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे लिखे पड़े बच्चे, जैसे ये बच्चा अभी कथा सुना रहा था ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये बच्चा, इसलिए और एक इनका दोस्त है ये भी CA किए हुए, इसलिए हमारे मंदिर में बच्चों को अच्छे अच्छे शिक्षा देते हैं, महीना में एक बार उनको शिक्षा देते हैं, महीना में 2 दिन उनको वहां पर जो आएगा प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद की भी व्यवस्था उनके लिए है, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं फ्री में, प्रसाद पाओ और 2 घंटा आओ बैठो भगवान की कथा सुनो, अच्छे पढ़ाई कैसे होगा, बढ़िया कैसे जीवन में अच्छा कैसे बनोगे है, इस विषय पर शिक्षा देते हैं। आप अपना बच्चों को भेज सकते हो, आप लोग भेज सकते हो बच्चों को जो लिखे बड़े बच्चे, कोई बात नहीं ठीक है, बड़े बच्चों का बड़े बच्चों को वहाँ पर तो जो 9, 10, 12, 11 और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक जो सब पढ़ चुके हैं, जो घर गृहस्थी भी करते हैं, वो सभी के लिए वो क्लास दिया जाती है, सबके लिए वो क्लास है, ये सभी के लिए। इसलिए इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर माताओं में तो थोड़ा आती भी कौन है, ये माताओं में थोड़ी सी यहाँ पर पता तुम्हारी माताओं के अंदर में थोड़ी सी समझदार कौन है ज्यादा, बोल उसको उसको नहीं कुछ नहीं सुना नहीं, हम चाहते हैं ना एक ऊपर में हम दायित्व देंगे उनको, पास में जब बोल देंगे ना फिर वो सब बच्चों को अब माताओं को सब बच्चों को बोल देगा, जैसे ये सेमिनार है तुम लोग जाओ, इसीलिए हम चाहते हैं नहीं यहाँ पर कौन कौन माता है, पंचवटी मंदिर देखा आपने? गौशाला नहीं देखी है? गौशाला देखी है, पंचवटी मंदिर वो ऊपर मठ है, गौशाला डेनियों की है, वहाँ पर हमारे उसको ऊपर में हमारे मंदिर है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, देखो हम कोशिश कर रहे हैं पास में मंदिर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी हम कोशिश में है, बन जाएगा तो फिर सबको दिखेगा मंदिर, अभी हमारा कोई स्थान है नहीं, वो गौशाला के ऊपर में एक छोटा सा वहाँ मंदिर है, जब ठाकुर जी बैठे हैं वहाँ पर सब भक्त लोग रहते हैं, वहाँ कीर्तन रोज सवेरे शाम को कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम चाहते हैं किसी एक माता को पर दायित्व तो दे दे जो सबको बोल दे, जैसे आज सत्संग हुई ना आप लोग सबको बुलाए होंगे, बुलाई होगी ना सबको, मम्मी को ये मम्मी तुम्हारी, हाँ देखो तुम्हारी एड्रेस है ना हमारी प्रभु जी है,
जो वहाँ पर रहते हैं कि अपना फोन नंबर दे दो, तुम भी हम दे देंगे, तुम भी फोन नंबर दे देना, ये बता दे कि कौन सा दिन होगा, फिर ये सब माताओं को बोल देंगे, फिर माताओं को बोल देंगे अपने बच्चों को आप भी लेकर के आओ, आप भी सुनो, आपको भी अच्छी लगेगी, ठीक है ना, आपको बच्चे अच्छे बनेंगे, प्रभु का भक्ति करेंगे, गलत रास्ता पर जाएंगे नहीं, पिता माता की सेवा करेंगे, सब यही तो चाहते ना, बच्चे हमारी बात सुने, घर में अच्छे बने, हम तो यही चाहते ना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। आज सत्संग तुमने क्यों करवाई, इनका जन्मदिन है। हाँ, देखो हमने तो इसलिए कराया, हमें बहुत टाइम से कराना था, एक साल हो गया, प्रभु जी से मिलके भी आई थी तब नहीं करा पाई, फिर अब इनका जन्मदिन भी था और बेटी एक महीने की हो गई है। देखो और एक चीज समझो, जैसे उन्होंने इनको इनकी जन्मतिथि में बच्चे की उपलक्ष्य करते हुए घर में भक्तों को बुलाए, इनकी उपलक्ष्य करते हुए घर में सत्संग हुई, घर में कथा हुई, इसका पुण्य किसको मिलेगा, जिसकी उपलक्ष्य में इस सत्संग हुई है ना, वो बच्चे को मिलेगा। इसलिए आप लोग भी अपना घर में जैसे किसी बच्चे का बर्थडे हो है, और नहीं तो तुम्हारी शादी के कोई सालगिरह हो, जैसे इधर उधर लोग को बुलाते हो है, नहीं बुला करके मंदिर में संतों को बुलाओ, सत्संग होगा, प्रभु का कीर्तन होगा, कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी, जिसके उद्देश्य में ये सब किया जाए उसका सारे पाप नष्ट हो जाता है, वो घर जिस घर में हरि कीर्तन हो, भागवत कहता है सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रा, जिस घर में ठाकुर का सत्संग कीर्तन हो गया, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में आ गए। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ, बोले 6 अरब, कितने, बोले 600 करोड़ तीर्थ, जिस घर में सत्संग हो गई उसी घर में 600 करोड़ अरब उसी घर में तीर्थ आ गए, और जिस घर में प्रभु का कीर्तन सत्संग हो गया ना, घर का सारे पाप निकल जाता है, घर का सारे पाप। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे का बर्थडे शादी की सालगिरह में उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके कितने बोतलों तुड़वा देते हैं, कितने मुर्गा को खत्म कर देते, ना लोग ये सब काम करते हैं है? लेकिन ये सब नहीं करनी चाहिए, ये संतों का कहना है, जिसके उद्देश्य में ये सब पाप कर्म होता है, जिस उद्देश्य में सारे पाप उसको पर चढ़ता है, सारे उसको पर जाएगा, क्यों, उसकी उद्देश्य में तुमने इतने बोतलों तुड़वाया, इतने मांस खिलवाया, ये पाप किसको लगेगा, जिसको उद्देश्य में करते हो। लेकिन जिस उद्देश्य में सत्संग होगा, हरि का कीर्तन होगा, इसका पुण्य किसको मिलेगा, जिसको उद्देश्य में करते हो, उनका भी कल्याण होगा, बच्चे का भी मंगल होगा, घर भगवान का धाम बनेगा, घर का सारे पाप चली जाएगी, मंगल ही मंगल है, ठीक है ना। इसलिए अगर आपका घर में कभी अगर ऐसे रखोगे, कोई तिथि होगा, हमारे बाबा यहीं पर रहते मंदिर में रहते हैं, ठीक है, आप बोल देंगे तो ये आएंगे भक्तों को, देखो हम खुद मायके ले आए, अपना घर में मायके ले आए, और इसे तुमको कुछ व्यवस्था करने का जरूरत नहीं, केवल ऐसे बिछा देना, इतना कर देना केवल अपना घर में, हाँ केवल कपड़ा बिछा देना, हम लोग आएंगे कीर्तन करेंगे, ठाकुर की कथा बोलेंगे हैं, हम चले आए, ठीक है, ऐसे करना। अभी इनका उद्देश्य है सबको एक फूल दे दो, इनको आशीर्वाद देते हैं, मंत्र पढ़ करके दे दो, दे दो फटाफट, दो सबको एक फूल दो फटाफट, निकालो, एक दो व्यक्ति को पकड़वा दो, नहीं तो वो वैसे दे दे। एक साथ में एक को कुछ पीछे पकड़ा दो, वो पीछे दे देगी, ज्यादा दे दो, हाँ दे दो बांट दे, सब सबको दे दो, इधर दे दो, हम लोगों को दे दो, प्रभु के एक हो, महाराज जी का अच्छी सी और कथा सुना दो, एक और छोटी सी और बोलना, मेरे को दो, अब लोग बैठ जाओ, आपका आशीर्वाद दे, अब बैठ, हाँ आप लोग सब मेरे पीछे, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, तू भी बैठ जा, बैठ जा, बोले ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंद स्वस्ति नो वासुदेव विष्णुर दधातु स्वस्ति नो अंजनासुत हनुर भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेश
महान श्री कृष्ण सचिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु लाभस्ते सम जयस्ते सम उतस्ते सम कराभव जयसं इंदिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव जयसां इन्दिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर दिवासादि श्री गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गिरिराज महाराज की सर्व विघ्न विनाशन कर नृसिंह देव की ओ आगे बोले श्री भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की सपरिकर गौर हरि की बोले प्रभुपाद की गुरुपाद पद्म की जय जय श्री राधे जय गौर प्रेमानंद हरि। अब लोग हाथ में जो पुष्प है ये मंत्र को तरफ किया हो ये बच्चों को और दोनों बाप और बेटे दोनों का आशीर्वाद दो इनका जीवन सुखमय रहे शांतिमय हो भगवान की भक्ति करे। उसको मुंह में हाथ लगा दो उसको मुंह में हाथ लगा दो उसको मुंह में हाथ ढक दो। हाँ अब तुम करो ना हाँ उसको बच्चे उनको बड़ा फूल दे देते थे बोले वृंदावन बिहारी देखो सर पर सब फूल दे दो लेकिन राज महाराज जय जय श्री राधे जो में हाथ लगा बोला हाथ लगा उसको तुम क्या कर रहे हो कैसे करूं तो आप कर लो ना फूल दिया कि नहीं सब फूल दे दो दे दिया अच्छा और मैं सब फूल दे दिया ठीक है हाँ एक भजन गा लेते बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बच्चे का बच्चे को उद्देश्य कर गए ना दोनों बेटे को इसलिए जब गोकुल में कन्हैया जन्म लिए सारे ब्रजवासी गा रहे हैं और सबके सब बैठी है इसलिए सबके सब गा रहे थे और सबके सब नाच रही थी। अब तुम लोग बैठे एक बार खड़े हो जाओ भगवान का कीर्तन में नाच लो ठाकुर का कीर्तन में सब लोग खड़े हो जाओ हाँ खड़े हो जाओ और भगवान के दरबार में एक बार नाच लेगा ना उसको 84 लाख जोन में नाचना खत्म। हरे कृष्ण जी हाँ बजाओ हाँ हरि बोल भगवान का कीर्तन में जो नाचेगा ना उसको 84 लाख जन्म में और नाचना नहीं पड़ेगा। नहीं तो देखो घर में क्या होता है कभी देखो इधर सुना घर में हम सब नाच रहे हैं बता कौन नहीं नाच रहे कोई बहू को सामने नाच रही है कोई बेटा का सामने नाच रहे हैं कोई सास को सामने कोई ननद को सामने कोई पैसा को सामने सबके सब संसार में हम नाच रहे हैं लेकिन कब तक नाचोगे जब तक ठाकुर का कीर्तन में नहीं नाचोगे। एक बार ठाकुर का दरबार में नाच लो सारे नाचा तुम्हारी खत्म ठीक है ना बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला I'm the guy.
सब देखो भागवत में बताए कि पेड़ क्यों हुए जानते हो, भागवत में बताए बोले भगवान इनको तो इंसान का जीवन दिया था। इधर सुना ठाकुर तो इनको इंसान का जीवन दिया, लेकिन जब शादी ब्याह हुआ ना डिस्को ध्यान इसमें तो खूब नाचे, लेकिन जब ठाकुर का कीर्तन में पेड़ जैसे खड़े रहे। तो ठाकुर बोले ठीक है तू पेड़ जन्म हुआ, पेड़ जन्म में चल जाओ। कि भागवत में नहीं कह, भागवत कह रहा है ध्रुव जन्म भाजो जो वृक्ष क्यों गए ठाकुर का दरबार में नाचने नहीं, लेकिन वैसे मेन रोड में शादी भी है खूब नाचे। ठीक है बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जय कन्या लाल की। अब क्या बोलोगे हाथी घोड़ा पाल की, बोले जय कन्या लाल की हाथी घोड़ा पाल हाथ उठा। जब तक द्रौपदी हाथ नहीं उठाए ना ठाकुर कपड़ा नहीं दिए, इसलिए जब तक बच्चा हाथ नहीं उठाता मैया गोद में नहीं लेती। हाथ उठाना मतलब क्या, ठाकुर जी तेरे सिवाय और जगत में मेरे कोई नहीं, इसका मतलब है। ठीक है ना, अब थोड़ी सी ना थोड़ी सी शरीर को हिलाते हैं, कितना कम से कम नाचे तो है ही नहीं, और दो गोपी दो तीन गोपी नाचे सब सब एक हाथ उठा करे। ठीक है बोले हरी बोल हरी बोल Yeah.
गिरिराज बाबा की जय जय श्री राधे। ठीक सब ठाकुर जी को ढोक लगा प्रणाम करो ठाकुर जी। आप लोग इधर सब आप लोग सब जाट है ना क्या?